अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं बहुत जल्द केज बनाने वाला हूँ, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द केज बनाने वाले हैं। केज की जगह तो मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी, दो तीन बार दिखाई है, लेकिन मैं आपको आज फिर बताता हूँ हम केज कहाँ बनाएंगे। केज बनाएंगे इंशाल्लाह आज कल में सामान लेंगे, कुछ आज ले आएंगे कुछ कल ले आएंगे इंशाल्लाह। इस फ्राइडे स्टार्ट कर देंगे बनाना केज, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह पक्का पक्का स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम परिंदे भी ले आएंगे जब केज मुकम्मल हो जाएगा। तो अब चलते हैं, आपको अपनी जगह दिखाते हैं केज की। ये है केज की जगह जहाँ हम अपना केज बनाएंगे, ये वाली जगह। तकरीबन 10 फीट लेंथ में और विथ में तकरीबन 3 फीट बनाएंगे, और ऊंचाई में तकरीबन 8 फुट या 7 फुट बनाएंगे। या काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अब चलते हैं, हम अपने परिंदे निकालते हैं जो ढके हुए हैं, मतलब कि उन्हें कवर किया हुआ है जिन्हें। या अपने वो चलते हैं, अपने परिंदे निकालते हैं जो कवर किए हुए हैं हमने, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, उन्हें निकाला नहीं है। अब चलते हैं उन्हें निकालते हैं, आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों हमने केजिन का कवर हटा दिया, देख सकते हैं आप, हटा दिया कवर इनका। देख सकते हैं मैंने जितने भी व्लॉग बनाए, ये वर की मेल इधर ही बैठी है, हटी नहीं है यहाँ से। ये कॉकटेल है, इंशाल्लाह ये 1 वीक के अंदर अंदर अंडे दे देंगे, मुझे उम्मीद है इनके साथ। और जो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्लू फीमेल अंडा देने वाली है, इसने अंडा दे दिया है, देख सकते हैं सामने अंडा दे चुकी है, ये एक अंडा दे दिया इसने। मुझे लगता है इनका जो मटकी है वह इनके घर ये छोटा है, या तो हम इसे बड़ा करेंगे या इसे बड़ा लेके आएंगे घर। ये देख सकते हैं ये फीड करवा रही है अपने बच्चों को, मेरे ख्याल में फीड करवा रही है, वो आगे बाहर इसके बच्चे तो नहीं जा रही है। इसके तकरीबन 4 से 5 अंडे हैं, ये जोड़ी बैठी है, इन्होंने अभी तक अंडा नहीं दिया, पता निकाल देंगे। ये देखिए ये फीमेल आ गई है बाहर, मेल भी अंदर है, अंडा दिया होगा इसने। ये तो काफ़ी देर से शोर ही करी जा रहे हैं, काफ़ी देर से जब से निकाला इन्हें हमने। ये पहाड़ी तोता बैठा है, ये देख ये आ ही गया, देखते ही मुझे, ये देखें इसका बच्चा, ये देखिए ये बाहर आया हुआ है तकरीबन, बाहर फीड मांग रहे हैं मदद से अपनी। इसके अंडे ख़राब हो गए थे जो हमने उठा के कल फेंक दिए थे शाम को, अब ये फिर अंडे देगी, देखते हैं इस बार निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, 1-2 दिन में ये भी अंडे दे देगी। इसके तकरीबन 3-4 अंडे हो चुके हैं अब तक। ये वही जोड़ी है, ये येरा और एक येरा, ये एक बार अंदर गई मटकी के अंदर, उसके बाद ये अंदर नहीं गई। और यह कबूतर हैं, ये तो ये अपना घोंसला भी बना रहे हैं, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा जब ये लेके जा रहे थे अंदर। और ये इन्होंने तो अपना, इन्होंने भी शुरू कर दिया बनाना मेरे ख्याल में। हाँ ले तो आए अंदर, देखते हैं ये कब बनाएंगे, कब ये अंडे देंगे। ये तो मुझे लगता है इसी वीक के अंदर अंदर अंडे दे देंगे। अब हम प्लास लेने जा रहे हैं, जल्द से प्लास लेके आते हैं, चलते हैं प्लास लेते हैं उसके बाद। अब हम दुकान पर आ गए हैं, अब प्लास उठाते हैं और घर जाते हैं। दुकान पर आए हमें पता लगा कि प्लास घर ही है, ताला खोल लिया है। अब इनका सुराख बड़ा करते हैं, बड़ा करके फिर आपको दिखाते हैं। इनका सुराख तो करने लगेगा, लेकिन सुराख ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे लगता है एक और मटकी लेनी पड़ेगी, देखते हैं इसी में जाते हैं कहीं तो और मटकी लेके आएंगे इनके लिए। इसका घर भी चेंज करना है हमने, ये टूटा हुआ है यहाँ से भी और यहाँ से भी, सारा ख़राब हो गया, इसका घर भी चेंज करना है। अब इनके 5 बच्चे हो गए, 2 निकले, अब 2 अंडे पड़े, 1 टूटे हमारे, देखते हैं निकलता नहीं निकलता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।